राम की प्रभुता असीम है, ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी जी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है, तथा उनका भी जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सबको नमन करते हुए तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा का आरंभ किया है। कहे बिनु रहा न कोई, तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक वेश रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। तो केवल भगतन गित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममतादि छोहु, जेहि करुणा करि खीण न होहु। बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध पर नहीं हरि जस अस जानी, कर ही पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कई हऊ नाइ राम पद माखा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मुहि भाई। अति अपार जे सरित बल, जो नृप से तू कराही, चढ़ी पिपीली कौ परम लघु, बिनु श्रम पार रही जाही।
एही प्रकार बल मनहि देखाई, करिहौ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदाओ तिन्ह के रे, पुर बहु सकल मनोरथ मेरे। कली के कबीना करूं पर नामा, जिन्ह बदने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। भय जे अहीं जे होई हहीं आगे, प्रणवं सब ही कपट सब त्यागे। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सोषम बाति बाल कवि करही। कीरति भनिति भूति भलि सोई, सुरसर सम सब कहित होई। राम सुकीरति भनित भदेसा, अस मंजस अस मोहि आदेसा। तुम्हुरी कृपा सुलभ सुमोरे, सियन सुहावने टाट पटोरे। सरल कबित की रति बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई त्रिपु, जो सुनि कर ही बखान। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजुमरा। बाल विनय सुनि सुरचि लखी, मो पर हो कृपा।